GTA की गेम्स यानी रॉकस्टार गेम्स की जो GTA सीरीज है इसके अंदर गेम्स के अंदर इतने ज्यादा ईस्टर एग्स एंड काफी अजीब चीजें हैं जो कि आप बिलीव नहीं कर सकते हो। हे गाइस, मेरा नाम है रचित फ्रॉम टेक्निकल गाइस गेमिंग एंड आज के दिन मैं आपको बताने वाला हूँ GTA की कुछ ऐसी 10 ड्रावनी लोकेशन जो कि शायद से आपने पहले नहीं देखी होंगी। स्टार्ट करते हैं हम अपनी पहली लोकेशन से जो कि है GTA San Andreas की ग्लास टावर बिल्डिंग। अगर आप इस बिल्डिंग के बारे में नहीं जानते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है, बिकॉज ये बिल्डिंग दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल है। अगर आप बाहर से देखोगे तो कोई ज्यादा अजीब नहीं दिखेगी। हालांकि ये बिल्डिंग काफी लंबी है, बट इफ अगर आप इस बिल्डिंग के अंदर जाओगे तो आपको इसके अंदर बहुत अलग अलग तरीके की चीजें देखने के लिए मिलेंगी। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पर आप देख सकते हो कि बहुत अलग अलग तरीके के स्ट्रक्चर्स रखे हुए हैं इस बिल्डिंग के अंदर। बट बात यहाँ पर खत्म नहीं होती है। जब आप इस बिल्डिंग के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर एक पोस्टर देखने के लिए मिलेगा जिसमें लिखा हुआ है जॉम्बो टेक्स निस्टर जॉम्बी वायरस रिसर्च कॉर्पोरेशन। यानी एक गेम जिसके अंदर भाई अपने को कोई भी जॉम्बी का सीन देखने के लिए नहीं मिलता है, वहां पर एक जॉम्बी लैब आपको देखने के लिए मिल रही है। तो ये काफी अजीब चीज है, क्योंकि इस बिल्डिंग के अंदर जॉम्बी लैब के लिए हमें एक लिफ्ट भी ले जाती है। तो ये काफी अजीब चीज लगती है, बिकॉज GTA San Andreas के अंदर कोई सा भी मिशन नहीं है जहां पर हमें जॉम्बी से फाइट करना पड़े। तो इसीलिए ये चीज काफी ज्यादा अजीब है कि आखिर यहाँ पर एक जॉम्बी लैब किस लिए है। इतना ही नहीं, शायद से ये एक ईस्टर एग हो सकता है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के लिए, जो कि रेसिडेंट ईविल की कॉर्पोरेशन है जो कि वायरस को छोड़ती है। नेक्स्ट बिल्डिंग आती है GTA Vice City की रोमेरो बिल्डिंग। इस बिल्डिंग को अगर आप देखोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये बिल्डिंग बाहर से तो बहुत ही ज्यादा सिंपल लग रही है। बट इफ अगर आप इस बिल्डिंग के अंदर जाते हो तो आपको एक अलग चीज देखने के लिए मिलेगी। तो इफ अगर आप इस बिल्डिंग के अंदर जाओगे तो आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी एक क्रेव। यहाँ पर एक आदमी खड़ा हुआ है और एक चीज अगर आप नोटिस करोगे तो इस आदमी का हाथ काय पर। फॉर एग्जाम्पल सोचो भाई, जब गेम बना रहे होंगे तो डेवलपर्स ने कहा होगा कि भाई हे अपने को एक गड़ा हुआ आदमी काटना है इस गेम में, एंड पीपल बी लाइक यस बहुत अच्छा आइडिया है ये। लेकिन इतना ही नहीं, अगर आप इसके पास जाओगे तो यहाँ पर आपको एक वचर्स जगह मिलेगी जो कि रोमेरो की ही है। और यहाँ पर अगर आप इसको नोटिस करोगे तो यहाँ पर एक जस्ट कॉमन सी दुकान है, बट यहाँ पर लिखा हुआ है ह्यूमन ऑर्गन फॉर ट्रांसप्लांट। और यहाँ पर आपको एक हाथ देखने के लिए मिलेगा जो कि कटा हुआ डला था, ठीक है, और वही हाथ है उस क्रेब का। और इतना ही नहीं, यहाँ पर आपको एक दिमाग भी मिलेगा जो कि इंसान का दिमाग होता है। तो ये प्रोबेबली शायद से रोमेरो जो ये जो लोग हैं, ये शायद से कुछ लोग हैं जो कि आदमियों को काटते हैं एंड उनके पुर्जे बेचते हैं। मतलब पता नहीं भाई, बहुत ही ज्यादा अजीब चीज थी ये, मैं इसके बारे में क्या बताऊं। नेक्स्ट लोकेशन आती है माउंट गोडो इन GTA 5। अब ये वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर माउंट है इन GTA 5, बट इसमें एक खासियत है। इसमें खासियत ये है कि इफ अगर आप इस माउंट पे आओगे 11 बजे से 12 बजे रात में, तो यहाँ पर आपको एक भूत देखने के लिए मिलेगा। मतलब मजाक की बात नहीं कर रहा हूँ, लिटरली आपको GTA 5 के अंदर भूत देखने के लिए मिलेगा। इफ अगर आपने GTA 5 खेला है तो आपको पता होगा, तो ये कोई मोड नहीं है। अगर आप इस भूत के पास जाओगे ना तो आपको ये भूत दिखेगा नहीं, बट इफ अगर आप इस भूत को किसी दूसरे एंगल से देखोगे, अगर आप स्कोप लगा के देखोगे तो आपको ये भूत दिखेगा। इतना ही नहीं, इस भूत के पास अगर आप जाओगे तो यहाँ पर आपको जॉक नाम देखने के लिए मिलेगा। अब GTA 5 के अंदर एक सीरीज है, यानी एक स्टोरी है जहां पर जॉक होता है वो अपनी वाइफ को मार देता है, तो शायद से ये वाइफ उसकी भूत हो सकती है, मेरे को नहीं पता। नेक्स्ट लोकेशन है GTA San Andreas के अंदर। ये लोकेशन में यहाँ पर आपको कुछ पिलर्स देखने के लिए मिलेंगे जो कि हमारे रियल लाइफ के जो पिलर्स है ना उससे इंस्पायर्ड है। बट यहाँ पर खास चीज ये है कि इन प्लस के पास आपको एक गोस्ट टाउन देखने के लिए मिलेगा जो कि बहुत ही ज्यादा डरावनी चीज है। एंड इस गोस्ट टाउन का जो नाम है उसका इंग्लिश में मतलब होता है चुड़ैल। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अगर आप थोड़ी सी आपको स्पेनिश आती है ना, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीजें देखने के लिए मिलेगी। एंड इस गोस्ट टाउन के पास में आपको एक गुफा मिलेगी, एंड इफ अगर आप इस गुफा के पास जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगी यहाँ पर 6 लोगों की ग्रेव यानी लाश। तो ये बहुत ही अजीब एंड डरावनी चीज है कि यहाँ पर ये लाशें कैसे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ पर इस चीज को एरिया 61 कहा जाता है। और अगर आप एरिया 61 सुन रहे हैं तो आपको पता होगा कि आखिर एरिया 51 का ये एक आप कह सकते हो कि ईस्टर एग है। एरिया 51 में रियल लाइफ चीजें हैं जहां पर बताया जाता है कि आप इन चीजों को रियल लाइफ में देख नहीं सकते हो, बिकॉज यहां पर एलियंस के ऊपर रिसर्च होती है। तो प्रोबेबली ये साइज से एलियंस भी हो सकते थे जिनकी लाशें थी, या तो ये हो सकती है के रॉस के 6 पति जो कि उसने मार दिए थे, और ये है 6 लाशें।
अब इसके बारे में हम कुछ ज्यादा नहीं बोल सकती हैं, कॉज गेम ने हम लोग को इसके बारे में कुछ पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं दी है, बट ये जगह बहुत ही अजीब है। इफ अगर आप GTA San Andreas खेलते हैं तो आप इस लोकेशन पे आइएगा और इसको जरूर से चेकआउट करिएगा। एंड फिर बताना भाई तुम्हें क्या लगता है इस चीज के बारे में। नेक्स्ट जगह है माउंट चिलियर्ड इन GTA 5। तो ये एक ऐसा माउंट है जहां पर आपको बहुत ज्यादा अजीब अजीब चीजें देखने के लिए मिलेंगी। फॉर एग्जांपल इस माउंट के ऊपर आप देखोगे तो बहुत ही ज्यादा यूट्यूब पे वीडियोस डली हुई हैं। तो इस माउंट पे क्या है, माउंट चिलियर्ड पे आपको एक तरीके से एलियंस रिलेटेड आपको बहुत ही ज्यादा ईस्टर एग्स देखने के लिए मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर आप इसमें थोड़ा सा घूमोगे तो आपको एक पोस्टर देखने के लिए मिलेगा यहाँ पर बना हुआ है, जहां पर आपको एक आंख देखने के लिए मिलेगी। इतना ही नहीं, आप इस आंख को थोड़ा सा याद कर लो, कॉज अगर आप इस माउंट चिलियर्ड पे थोड़ा सा घूमोगे तो आपको एक जगह मिलेगी जहां पर लिखा हुआ है कि आप वापस आना जब आपका गेम कंप्लीट हो जाता है। और अगर आप इसके नीचे देखोगे तो यहाँ पर आपको एक आंख दिखेगी जिसको बिल्कुल वैसे ही दिख रही है जैसे कि हमने पहले उस पत्थर पे लिखी हुई देखी थी। यानी जब आप इस गेम के अंदर 69 स्टोरी मिशंस, उसके साथ ही साथ आप 20 स्ट्रेंजर्स एंड फ्रीक्स, 14 रैंडम इवेंट्स, 42 हॉबीज एंड पेटमीज एंड 16 सारे मिशन जब कंप्लीट कर लेते हो ना इसके अंदर, जब यहाँ पर आप इसको दोबारा से वापस आओगे, जब पूरी लाइक थोड़ी सी आंधी चल रही हो, तूफान आ रहा हो, बिजली तड़क रही हो, जब ऐसी लोकेशन में आप यहाँ पर वापस आओगे तो यहाँ पर आपको UFO देखने के लिए मिलेगा, यानी रियल का UFO जिसके अंदर एलियंस है। यानी GTA 5 के अंदर UFOs हैं और यहाँ पर आप रियल लाइफ में लाइक रियल में GTA 5 के अंदर UFO देख सकते हो। तो अगर आप GTA 5 खेलते हो तो आप इसको टेस्ट करो जाके, कॉज ये आपको वहां पर जरूर देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट लोकेशन है दोबारा से GTA Vice City के अंदर जो कि है अपार्टमेंट सी। तो अपार्टमेंट सी जहां पर आपने देखा होगा कि आप अपनी गाड़ी को सही कराने जाते हो, तो वहां पर ही आपको कुछ इस तरीके का एक अपार्टमेंट देखने के लिए मिलता है। और अपार्टमेंट 3C की खासियत क्या है कि अगर आप इसके अंदर घुसने की कोशिश करोगे तो आप अपने आप घुस जाओगे इसके अंदर और यहाँ पर आपको एक घर मिलेगा या एक जगह मिलेगी जिसके अंदर भाई खून ही खून है, मतलब लिटरली खून ही खून डला हुआ है। और वहां पर आपको एक वेपन मिलेगा जिसका यूज करके आप लोगों को मार सकते हो। तो ये काफी अजीब काफी अनयूजुअल सी चीज है लाइक GTA Vice City के अंदर। कॉज लाइक किस लिए, लाइक गेम वालों ने ये चीज किस लिए डाली है कि आप दूसरे को मारना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, वी डोंट नो। बट प्रोबेबली एक मिशन होने वाला था GTA Vice City के अंदर, बट साइज से ये मिशन कैंसिल कर दिया गया और इसको एज अ ईस्टर एग यूज किया गया है GTA Vice City के अंदर। नेक्स्ट लोकेशन है ये सैंडी शॉप में एक ये हाउस जो कि आपने GTA 5 के अंदर बहुत बार देखा होगा। बट इफ अगर आप इस हाउस के अंदर आते हैं, थोड़ा सा घूमते हैं, अगर आप इसको देखते हैं तो आपको बहुत अजीब चीजें देखने के लिए मिलेंगी जो कि है नंबर 8। तो ये 8 नंबर जो है आपको बहुत ज्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो एक्चुअली नंबर 8 की सीन क्या है कि इस गेम के अंदर एक स्टोरी थी जहां पर एक सीरियल किलर था जिसने 1999 में 8 लोगों को मार दिया था, ठीक है। दैट्स वाई ये नंबर 8 आपको बहुत जगह देखने के लिए मिलेगा GTA 5 के अंदर। इतना ही नहीं, अगर आप इसको एक प्रिजन के पास देखें तो यहां पर भी आपको नंबर 8 देखने के लिए मिलेगा। इतना ही नहीं, अगर आप और जगह जाएंगे तो आपको पत्थरों के ऊपर यहां पर देखने के लिए मिलेगा नंबर 8। एंड इतना ही नहीं, इफ अगर आप इस गेम के अंदर जाएंगे पानी के अंदर माउंट चिलियर्ड के पास, तो वहां पर आपको 8 बॉडीज मिलेंगी जो कि प्लास्टिक से बंधी हुई थी। तो यस, गेम के अंदर काफी चीजें हैं जो कि आप एक्सप्लोर कर सकते हो, छोटे छोटे से क्लूज हैं जिनको आप देख सकते हो। उन्हीं में से एक क्लू था जहां पर हमको स्टोरी मिलती है एक सीरियल किलर की। नेक्स्ट चीज है GTA 4 का इंटरनेट। यस, इफ अगर आपने GTA 4 खेला है तो आपको पता होगा कि भाई GTA 4 के अंदर आप इंटरनेट का यूज कर सकते हैं। एंड इस इंटरनेट के आर्टिकल्स में बताया जाता है एक सीरियल किलर के बारे में जो कि GTA 4 लिबर्टी सिटी में घूम रहा है। और ये सीरियल किलर के बारे में आपको फोटो सब कुछ दिखने के लिए मिलती है। ये 32 साल का मेल होता है, बट खासियत कुछ ऐसी है कि इस सीरियल किलर को भाई साहब जॉगर्स पसंद नहीं है। तो ये कुछ ऐसा सीरियल किलर है जैसे कि हम लोगों ने डिस्कस किया था अभी GTA 5 के अंदर। तो इफ अगर आप जॉगिंग करते हो भाई लेट नाइट, तो मेरे हिसाब से यार बच के रहो क्योंकि सीरियल किलर आपके पास आ सकता है।
बट जैसा कि हमने डिस्कस किया कि भाई इस सीरियल किलर में थोड़ी सी खासियत है, आप इस सीरियल किलर के एक्चुअली में आप इससे मिल सकते हो। ये जो सीरियल किलर है आपको देखने के लिए मिल जाएगा एक मिशन के बाद, एंड ये आपको हमेशा गेम के अंदर देखने के लिए मिलेगा 10 बजे से 4 बजे के बीच में। आप इसको अपने आप पहचान जाओगे, बिकॉज इसके साथ कुछ प्रॉब्लम है, सच्ची बता रहा मैं। बट हमें इसको मारना पड़ता है, जिसकी वजह से फिर ये लोगों को मारना बंद कर देता है। यस, नेक्स्ट लोकेशन आती है, ये एक टनल है GTA 5 के अंदर, जिसको आप पूरी ताकत लगाएंगे लेकिन तब भी आप इसको खोल नहीं पाएंगे। बट कुछ अपडेट्स या कुछ चीज़ों के बाद आप इस टनल को खोल सकते हैं, एंड इफ अगर आप स्केप के अंदर जाओगे तो आपको कुछ अजीब चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, जैसे कि यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगी एक डेड बॉडी। यस एवरीबॉडी, एक और नई डेड बॉडी। बट इस डेड बॉडी में खासियत ये है कि ये डेड बॉडी जो है ये 90s के कपड़ों में होती है। तो भाई GTA 5 के अंदर बहुत ज़्यादा ईस्टर एग्स हैं, बहुत ज़्यादा डेड बॉडी के ईस्टर एग्स हैं। इतना ही नहीं, इफ अगर आप मूवी थिएटर के अंदर जाओगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा चीज़ें मिलेंगी इस डेड बॉडी के बारे में जानने के लिए। तो ये एक बहुत बड़ा ईस्टर एग है GTA 5 के अंदर। तो हमारी नेक्स्ट लोकेशन आती है GTA 4 के अंदर, स्टैचू ऑफ हैप्पीनेस, यानी हैप्पी स्टैचू, आप कुछ भी इसको कह लो, ठीक है। तो ये स्टैचू आपने GTA 4 के अंदर बहुत देखा होगा, बिकॉज ये लंबा है, खूबसूरत है, एंड ऑब्वियसली ये स्टैचू ऑफ लिबर्टी का कॉपी है। बट इसके अंदर चीज डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर ये लड़की आग नहीं, ये थोड़ा सा कॉफी पकड़े हुए है, जो कि शायद से हॉट कॉफी मोड का ईस्टर एग है। बट अगर आप इसका चेहरा देखोगे तो ये हैनरी क्लिंटन जैसा चेहरा देखने के लिए मिलता है। मतलब लिटरली किस लिए ऐसा चेहरा बनाया गया हमको नहीं पता है। बट इफ अगर आप इस बिल्डिंग के अंदर जाओगे तो आपको देखने के लिए मिलेगी बहुत अजीब चीज है, बिकॉज इस बिल्डिंग के अंदर है एक धड़कता हुआ दिल। अब इस धड़कते हुए दिल का आप कर तो कुछ नहीं कर सकते हो ऑब्वियसली, बट ये दिल किस लिए है गेम में ये हम लोग को समझ में नहीं आया है, और पता नहीं किस लिए। आपको आया तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन बताना। बट दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, होप सो गाइस आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो मेरा नाम है रचित फ्रॉम टेक्निकल गाइस गेमिंग। इफ यू लाइक दिस वीडियो क्लिक ऑन दैट लाइक बटन। इफ अगर आप और इसी तरीके की गेमिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आई विल सी यू टुमारो, बाय।